जीटी हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करना ना भूले ताकि हमारे नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, गूगल असिस्टेंट यूज करने में मजा तो बहुत आता होगा ना। मतलब अपने फोन को ओके गूगल बोलो और वो आपकी बात सुन के आपके लिए जितने भी आप बैकग्राउंड में टास्क चाहते हैं, जैसे कहीं का नेविगेशन करना, कोई सर्च करना, वो कर देगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके ज़रिए गूगल आपकी हर बात सुन रहा है और अपने सर्वर पे स्टोर कर रहा है? जी हाँ दोस्तों, यकीन नहीं आ रहा तो ये वीडियो पूरा देखिए, बिकॉज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे गूगल आपको ट्रैक कर रहा है, आपके वॉइस को, आपके लोकेशन को, और फिर कैसे आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो दोस्तों, ओके गूगल बोलते ही आपका फोन जग जाता है और वो फिर आपके वॉइस एक्टिवेटेड सर्च से आपको डिफरेंट रिजल्ट्स देता है। लेकिन उस फोन को वो ओके गूगल समझने के लिए दोस्तों ये होना बहुत जरूरी है कि वो आपकी सारी बातें सुन रहा है, बिकॉज उसको तो पता नहीं है ना कि आप दोपहर में 1:06 पे ओके गूगल बोलेंगे। वो तो राउंड द क्लॉक ही ऑन रहता है और वो आपके जो वॉइस पैटर्न है, वॉइस एनालिसिस बोलते हैं, उसको हमेशा मॉनिटर करता रहता है। और जैसे ही उसको लगता है कि हाँ इस स्पीच में ओके गूगल आया, उसके बाद से वो आपको जो रिकॉर्डिंग है वो मतलब एनालाइज करके आपको एक सर्च रिजल्ट देता है। तो दोस्तों, ये सारी जो रिकॉर्डिंग्स होती है ना, ये गूगल अपने सर्वर पे स्टोर करता है। अब जून 2015 में उन्होंने ये इम्प्लीमेंटेशन चालू किया था और उस समय सारे पब्लिक को भी बताया था कि देखो हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो ये सब बातें दोस्तों, इतनी मीडिया में लाइमलाइट नहीं हुई थी, एक्चुअली हुई थी, लेकिन उसके मतलब जैसे जैसे टाइम चला गया लोग भूल गए हैं। लेकिन अभी भी अगर आप चाहें तो आपने जितने भी वॉइस सर्च किए हैं और रैंडमली गूगल ने जितने भी आपके जो बैकग्राउंड में वॉइस स्टोर करके रखा है, वो अपने गूगल जो डैशबोर्ड है वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, गूगल हिस्ट्री बोल करके एक पेज है, मैं आपको डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, और वहाँ पे आपको एक कंसोलिडेटेड डेटा मिल जाएगा आपके एंटायर सर्च हिस्ट्री का, जितना भी आपने गूगल पे किया है। तो वहाँ जाकर के अगर आप वॉइस सर्च पे अगर फिल्टर करें तो जितने भी आपने वॉइस सर्च किए हैं वो आप पे दिख जाएंगे। अब बहुतों में दोस्तों आपको डायरेक्टली दिखा देता है कि अगर समझ लीजिए आपने स्टोर किया है कि व्हाट्स द नियरेस्ट कॉफ़ी शॉप, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, एक दिखा देगा कि व्हाट्स योर नियरेस्ट कॉफ़ी शॉप वॉज द सर्च, और आप उसमें जो प्ले का बटन है उस पर क्लिक करके वो वॉइस सुन भी सकते हैं। तो ये नॉर्मल बात है। लेकिन बहुत सारे दोस्तों जो सर्चेज हैं वहाँ पे दिखाएगा ट्रांसक्रिप्ट्स नॉट अवेलेबल, और यहाँ पे अगर आप प्ले करके देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि आप और आपका कोई फ्रेंड बात कर रहा है और उसका रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टोर्ड है, बिकॉज गूगल को लगा कि आपने शायद ओके गूगल बोला होगा और ये सारे जो पैटर्न है, जो वॉइस है, वो स्टोर करके रखता है ये जानने के लिए कि नेक्स्ट टाइम जब अगर आप ओके गूगल बोलें तो मतलब जो बोलते हैं ना पैटर्न बेस्ड एनालिसिस, उसके हिसाब से आपको वहाँ पे जो नेक्स्ट सर्चेज हैं वो बहुत अच्छी तरह मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप नहीं चाहते कि गूगल आपका ये डेटा स्टोर करे और अगर आप इस डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको वो ऑप्शन भी डायरेक्टली इस डैशबोर्ड पे मिल जाएगा। और आगे जाकर के अगर ये डेटा आप नहीं स्टोर कराना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको गूगल असिस्टेंट यूज़ करना बंद करना पड़ेगा। और उसको करने का सबसे ईजी तरीका है कि अपने फ़ोन का जो लैंग्वेज है, अगर आपने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स डाल रखा है तो उसको इंग्लिश इंडिया या फिर कोई और कंट्री का इंग्लिश कर दीजिए, बिकॉज अभी सिर्फ और सिर्फ ये यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ही लागू है। उसके बाद आप अपने गूगल असिस्टेंट पे मतलब एकदम यूज़ करना भी छोड़ सकते हैं और सिर्फ गूगल नाउ सर्च करें। जितने भी वॉइस बेस्ड सर्चेस हैं उसको भी आप एकदम मिनिमल रखें। तो दोस्तों, ये तो हो गई वॉइस सर्च की बात। अब मैंने इंट्रोडक्शन में ये भी बोला था कि गूगल ट्रैक भी कर रहा है कि आप कहाँ कहाँ जाते हैं, एंड सच में अगर आप वहाँ पे हिस्ट्री डैशबोर्ड में जाके देखें तो आपके स्टेप बाय स्टेप लोकेशन दोस्तों गूगल आपको दिखा देगा। और तो और, यहाँ तक कि गूगल को ये भी पता रहेगा कि आप कब हॉलीडेज़ पे थे और कब आप अपने होम टाउन पे काम कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इस लेवल तक का डेटा ट्रैक किया जा रहा है गूगल की तरफ से। और ये जो दोस्तों लोकेशन हिस्ट्री है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं वापस उस डैशबोर्ड पे। और अपने फ़ोन पे अगर आप GPS को हमेशा ऑन नहीं रखते हैं तो जाकर के ये डेटा गूगल नहीं कलेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपके फ़ोन का GPS लोकेशन ऑन रहेगा तो जब आप बोलते हैं ना आई एग्री गूगल को, तो आप आई एग्री करते हैं कि हाँ तुम मेरा ये सब डेटा ट्रैक कर सकते हो।
तो दोस्तों ये था एक स्मॉल वीडियो जहां पे मैं आपको ये बताना चाहता था कि गूगल किस तरीके से आपकी जो प्राइवेट लाइफ है उसको मॉनिटर कर रहा है, और कहीं ना कहीं आप ही ने गूगल को ये परमिशन दे रखी है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं आगे जाकर कि आपका वॉइस रिकॉर्ड हो या फिर आपकी लोकेशन मॉनिटर हो, तो प्लीज़ उस पर उसको सबसे पहले जाकर के डैशबोर्ड से डिलीट कर दीजिए, और फिर जो भी मैंने आपको फ़ोन पे नेसेसरी चीज़ें ऑफ करने को बोला है उसको आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। अगर हाँ तो एक थम्सअप दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ। और आज के दोस्तों वीडियो के लिए इतना ही, और अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए।